महासमुंद से आ रही बड़ी खबर की ओर नजर डालते हैं, जहां पति पत्नी सहित दो बच्चों की हत्या की गई है। अज्ञात हत्यारों ने इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो पिथौरा थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट ब्यूरो चीफ मोहित साहू जुड़ चुके हैं। जी मोहित जी, पति पत्नी सहित दो बच्चों की हत्या, क्या कुछ जानकारी? करिश्मा, मैं बताना चाहूंगा, पिथौरा थाना क्षेत्र है महासमुंद जिले का। लगभग पिथौरा से 10 से 12 किलोमीटर दूर पर बया रोड पर किशनपुर गांव है और किशनपुर गांव में आज सुबह ही दहशत का माहौल हुआ है कि लोगों की हत्या कर दी गई है, जिसमें पति पत्नी और दो छोटे छोटे बच्चे हैं जिसकी उम्र 5 से 6 वर्ष है। चूंकि जो मृतका है योग माया साहू, वो किशनपुर उप स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य कार्यकर्ता थी। सुबह 8 बजे जब स्वास्थ्य केंद्र नहीं खुला, तब आसपास के लोगों ने घर जाकर देखा, तब वहां से दरवाजा लगा हुआ था। जब अंदर खोल के देखा तो 4 लोगों की बेरहमी से हत्या अलग अलग जगह पर पड़ी हुई थी। चूंकि मौके पर जब ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी शिकायत की, पुलिस मौके पर पहुंचकर अभी फिलहाल छान कर रही है कि हत्या वजह क्या हो सकती है, क्योंकि अभी कोई भी वो सामने नहीं आए हैं और हर एंगल को पुलिस अभी खंगालने में लगी हुई है। क्योंकि जिस तरह से सामान बिखरे हुए हैं, हो सकता है कि जो हत्यारे हो डकैती हो या फिर दुश्मनी बस भी इस तरह से हत्या हुई, तो ये जो तमाम जो एंगल है वो पुलिस अभी खंगाल रही है और पुलिस इस मामले पे अभी कुछ भी नहीं कह रही है। जी, वहीं परिजनों का क्या कहना है इस पूरे मामले में? देखिए, अभी परिजन जो है वो अभी बोलने की किसी भी स्थिति में नहीं है। कुछ एक तो परिजन है वो आए हुए हैं, और क्योंकि जो योग माया साहू है वही की स्वास्थ्य केंद्र में कार्यकर्ता थी और जो मृतक पति है चेतन साहू वही है, और दोनों से अभी बोलने की कुछ भी कुछ नहीं बोल रहे हैं।